हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचआर चित्रकला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर में सेफ होंगे। तो आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने ब्लेंडिंग सिस्टम के बारे में बताया। तो आज जो टॉपिक है, मैं वाशी टेप, जो मास्किंग टेप होती है, उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो टेप बाय करी थी, ये मैंने करी थी लगभग 100 to 200 रुपीज़ के बीच में थी, और ये जो टेप थी ये 50 रुपीज़ की थी। इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और यूज़ करके दिखा रहा हूँ किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो ये टेप है, दो तरह की टेप है, जो मैंने एक हॉबी क्राफ्ट से बाय करी थी और एक मैंने एक पर्टिकुलर शॉप से बाय करी थी। ये वाली जो है मैंने हॉबी क्राफ्ट से बाय करी थी, ये मैंने जो बाय करी थी एक पर्टिकुलर शॉप से, इसकी कॉस्ट लगभग 200 रुपीज़ और इसकी जो थी 50 रुपीज़। मैं आपको बताता हूँ उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आप ये वाली टेप यूज़ करेंगे तो मैं इसको एक बार आपको दिखा दूँगा। ये जो टेप है, इसको यूज़ करने का तरीका ये है, जैसे अगर आप इसको यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, इसको आपने ये यूज़ किया और इसको ये कट कर दिया। अब आप जो भी, अगर आप आर्टवर्क बनाते हैं तो जो भी आप शेडिंग करेंगे तो उसकी जो शेड्स होगी वो नीचे नहीं आएगी, ठीक है। बट इस टेप में एक जो दिक्कत है वो ये है, अगर आप इसको हटाएंगे कुछ टाइम बाद तो ये पेपर को जो पील कर देती है, अभी फिलहाल ही नहीं कर रही, लेकिन अगर आप इसको एक घंटे या फिर दो घंटे बाद हटाएंगे तो ये पेपर को पील कर देगी और जो पेपर है वो फटने लग जाएगा, ठीक है। तो और इस टेप का आप जैसे यूज़ करने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको किसी भी पेज पे ऐसे लगा के उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है, ठीक है। और एक टेप जो वाशी होती है वो दूसरी भी आती है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। और ये जो कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो जो होती है लगभग 30-40 रुपये, जो स्क्रीन पर दिख रही है। और जो एक्चुअल में आती है, ये टेप है 200 रुपये की, अगर आप ये बाय करना चाहेंगे 100 to 200 रुपीज़ में आ जाती है। ये बेस्ट टेप होती है, तो इसका भी यूज़ इसी तरह से होता है। और अगर आप देखेंगे कि आपने अगर इसको लगाई, या इसको अगर लगा देते हैं, तो इसका फ़ायदा जो मैंने आपको इस टेप में बताया सेम ही है, ये लग जाएगी और लगने के बाद ये पेपर को पील भी नहीं करती। आप चाहे कोई सा भी पेपर ले लो, ये आप अगर देखेंगे तो ये पेपर को बिल्कुल भी पील नहीं करेगी, चाहे आप कितनी देर भी बाद हटाएं, चाहे 1 hour हो गए, 2 hours, 3 hours, तो ये पेपर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती है, ठीक है। इसको भी आप कहीं भी पर्टिकुलर जैसे जगह पे आपने अगर उसको यूज़ कर लिया तो उसको आप 3-4 दिन या फिर 3-4 hours वक्त से यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती दोनों में से कोई भी। और जैसे ये टेप मैंने आपको बताई, ठीक है, तो ख़राब होने का तो चांस है ही नहीं, और ना ये पेपर को पील करती है। बस ये है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये बेस्ट ब्रांड की है और ये 50 rupees की है, जो मार्केट में आपको कोई भी स्टेशनरी से बाय कर सकते हैं। ये आपको या तो ऑनलाइन मिलेगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये किसी भी शॉप से जो स्टेशनरी हो, जहाँ पे आर्ट मटेरियल्स हो, तो ये वहाँ मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, थैंक यू सो मच। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक टेप के बारे में बताया, ठीक है। तो इसको मैंने काफ़ी अपनी पेंटिंग्स और काफ़ी जो ड्राइंग्स होती है उसमें यूज़ किया, काफ़ी स्केचेस हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन आर्टवर्क्स में मैंने ये जो है टेप यूज़ करी, ठीक है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिला, और इसको मैंने, अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये आपकी 3 to 4 months चल जाएगी लगभग। और ये अभी मैंने 2 महीने पहले बाय करी थी, अभी इतनी सी ही ख़त्म हुई और काफ़ी बची है। तो इसको यूज़ करने के लिए, इसको यूज़ करने का फ़ायदा जो है बहुत है, कि इससे पेपर पील नहीं होता। पेपर को आप अगर टेबल पे रख के अगर इस्तेमाल करते हैं तो पेपर हवा के से उड़ता है, तो वो उड़ेगा भी नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे मैं काफ़ी टॉपिक्स जैसे ब्रशेस, पेंट्स और ऑयल कलर, ऑयल्स, काफ़ी चीज़ों पर वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल HR चित्रकला एंड द ब्लॉगर जिंदगी। द ब्लॉगर जिंदगी पे ब्लॉग्स आएंगे जल्दी, ये मैंने पहले ही वीडियो बोला था। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।